आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप डेली एंड वीकली प्लानिंग इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम प्रज्ञा गौतम। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो से। तो प्लानिंग के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगी एक नोटबुक। नोटबुक की जगह आप नोट पैड भी ले सकते हैं। साथ में आप अगर आपके साथ स्केल रहती है हमेशा तो ठीक है, वरना मेरे नोटबुक के साथ एक स्केल आई हुई है जो मैं उसे अटैच कर सकती हूँ। साथ में इसके साथ हैं स्टिकी नोट्स। और अगर आपके नोटबुक के साथ स्टिकी नोट्स नहीं आए हैं तो आप दूसरी कोई भी यूज़ कर सकते हैं स्टिकी नोट्स, या फिर DIY भी कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं कि प्लानिंग कैसे करना है। सो सबसे पहले आपको करना है अपनी डायरी के सेक्शन। सेक्शन करने के लिए आपको पहले प्लान करना होगा कि आप क्या क्या चीज़ें प्लान करने वाले हैं इस डायरी में। तो मेरे हिसाब से मैं अपने लिए पहले मंथ प्लान करूँगी, फिर वीक एंड फिर डे। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप चाहे तो मंथली प्लानिंग भी कर सकते हैं, या आप किसी और प्रोफेशन में हैं जहाँ पे आपको मंथली मीटिंग्स होती है, काउंसलिंग होती है, कॉल्स होते हैं, जो भी आपको याद रखने की चीज़ें हैं, तो आप उस पर्टिकुलर मंथ के लिए भी पेजेस छोड़िए और उसकी भी प्लानिंग सबसे पहले कीजिए। फिर उसके बाद आता है वीकली प्लानिंग एंड डेली प्लानिंग। तो मैं लाइन वाइज सारे स्टिकर लगा लूँगी। एंड मेक श्योर जब स्टिकर आप लगा रहे हैं तो ऊपर नीचे लगाएं ताकि आपको वो साफ साफ दिखे, और जहाँ से भी आपको पेजेस खोलने हैं आप जस्ट उस स्टिकर से अपनी डेली प्लानिंग या वीकली प्लानिंग जो भी आप सेक्शन खोल रहे हैं वो खुल जाए। एंड ऑल्सो वाइल स्टिकिंग द स्टिकी नोट्स, मेक श्योर कि आप सारे पेजेस अच्छे से काउंट करके छोड़ रहे हैं। अदरवाइज आप प्लानिंग के लिए पेजेस आपके नहीं बच सकते हैं एट द एंड। सो मेक श्योर कि आप इनफ स्पेस, इनफ पेजेस छोड़ रहे हैं। अगर आपके बुक में या डायरी में इस तरीके के कुछ पेजेस आए हैं जिनमें प्लास्टिक पेजेस हैं जिनमें आप अपनी फाइल्स या कुछ रख सकते हैं, तो मेक श्योर उन्हें आप फेंकें ना, आप लास्ट में रखें ताकि आप अपने बिल्स इकट्ठा कर सकते हैं, या कोई डॉक्यूमेंट जो आपके इंपॉर्टेंट है, जो आपको याद रखना है, फ़ोन बिल्स, इलेक्ट्रिसिटी बिल्स, सो उस चीज़ में भी आपको काम आ सकता है। तो मेक श्योर इसे फेंकें ना और अपनी डायरी में पीछे लगा लें। तो जब आप एकदम रेडी हैं प्लानिंग के लिए तो सबसे पहले मंथ वाला पेज निकालिए और वहाँ पे मंथली प्लानिंग स्टार्ट करने से पहले ऊपर मंथ लिख लीजिए जहाँ पे आपको प्लानिंग करनी है। और उसके बाद इस पेज में आपको सारा वही लिखना है जो इस महीने आपको करना है। लाइक अगर आपके कॉल्स हैं, आपकी मीटिंग है, कोई इम्पॉर्टेंट काउंसलिंग है, और जो भी आपके वर्क से रिलेटेड है, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसमें आपके चैप्टर्स हैं वो सब भी लिख सकते हैं जो आप कवर करना है, सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। तो अगर आप चाहें तो मेरी तरह इस तरीके से पहले रफ आइडिया बना सकते हैं, उसके बाद इस डायरी में प्लान कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से आपको सबसे पहले अपना पूरा मंथ प्लान करना है। और अब चलते हैं अपन वीकली प्लानिंग की तरफ। सो वीकली प्लानिंग करने का सबसे अच्छा तरीका है, सबसे पहले आप वीक लिख लीजिए ऊपर पेज पे जिसको आपको प्लान करना है। सो जैसे कि मुझे जुलाई 1 से लेकर जुलाई 7 तक की प्लानिंग, फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई की प्लानिंग करनी है, तो मैंने वो लिख लिया है। और फिर उसके बाद आप जिस पोर्शन में आपको प्लानिंग करनी है वहाँ पे इस तरीके से 4 पार्ट बना लीजिए। सो इन 4 पार्ट्स में अब हम स्टार्ट करेंगे अपनी प्लानिंग। सो फर्स्ट कॉलम में हम प्लान करेंगे वो सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी। फिर सेकंड में वो सारी चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है बट फिलहाल में अर्जेंट नहीं है। थर्ड कॉलम में हम जो कि चीज़ इम्पॉर्टेंट नहीं है बट अर्जेंट है। एंड थर्ड में जो इम्पॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है। एंड रियली ये बहुत कन्फ्यूजिंग होता है लास्ट वाला कॉलम हमेशा मेरे लिए। सो उसके पहले अगेन मैं आपसे बोलूँगी कि जो भी चीज़ आप प्लान कर रहे हैं उसके पहले भी आप एक रफ आइडिया बना सकते हैं, ना चाहें तो इट्स ओके। तो यहाँ पे अब मैंने अपनी सारी प्लानिंग की है, जो भी चीज़ मेरी इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट नहीं है, अर्जेंट है, अर्जेंट नहीं है, या दोनों ही नहीं है, बट आई हैव टू कीप दैट इन माइंड। सो मैं इस तरीके से सारी प्लानिंग कर लूँगी। तो अगर आप स्टूडेंट हैं तो मेक श्योर आप अपने टेस्ट के हिसाब से या फिर अपने एग्ज़ाम्स के हिसाब से प्लानिंग करें। अगर आप कोई दूसरे प्रोफेशन में हैं तो अपनी प्रायोरिटीज सेट कर लें कि कोई चीज़ हो। तो इस तरीके से मैंने अपनी सारी प्लानिंग कर ली है। सो जो मेरी डेली की प्लानिंग रहती है वो टू बी ऑनेस्ट कई बार वेदर के हिसाब से होती है। जिस दिन वेदर अगर सनी है सो आई टेक निर्वी फॉर स्विमिंग, सो आई प्लान स्विमिंग।
एंड समटाइम्स आई प्लान माई शूट्स। सो या इस तरीके की चीज़ें हैं जो मैं प्लान करती हूँ, तो आप अपनी प्रायोरिटी के हिसाब से चेक करके वहाँ पे जो भी आपका कॉलम है उसमें डाल लीजिए, एंड मेक श्योर कि आप ऊपर या फिर साइड में लिख लें कि आप किस दिन की प्लानिंग कर रहे हैं, सो यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज। एंड ऑल्सो आई यूज़ टू कलर पेन्स, सो या ब्लू एंड ब्लैक। एंड अगेन फिर जब आप प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कि आप जो प्लानिंग कर रहे हैं वो इजी प्लानिंग हो, क्योंकि अगर आप हैक्टिक प्लान करते हैं तो आप जल्दी फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, वो भी करना है, एंड यू गेट कन्फ्यूज एंड यू गेट एग्जॉस्टेड और आप प्लानिंग करना छोड़ देते हैं। तो मेक श्योर कि आप प्लानिंग करते टाइम ईजी प्लानिंग करें। और एक टिप और मैं देना चाहूँगी कि अपनी नोटबुक जितनी सिंपल हो उतनी सिंपल रखें, और ये जो चीज़ें हैं प्लानिंग की, ये एक दिन में नहीं होती हैं। आप एक दिन बैठ के आप अपनी डायरी सेट कर सकते हैं, और अगर आप रोज़ प्रैक्टिस करते हैं और इजी प्लानिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। आप रोज़ प्लान करते हैं, आपको मज़ा आता है कि जो मैं एक्चुअली चाहता हूँ या चाहती हूँ वो हो पा रहा है। अदरवाइज़ अगर आप बहुत ज़्यादा टाइट प्लानिंग करते हैं तो आप हो सकता है कि एक दो दिन करें और फिर बंद कर दें। एंड ऑल्सो मेक श्योर टू यू नो लुक बैक इन टू योर वीक्स एंड डेज। जब भी आप नेक्स्ट वीक की या नेक्स्ट डे की प्लानिंग करें तो आप पिछले वीक को या पिछले डे को जाके देखें कि आपने उस दिन वो चीज़ें की है जो आपने प्लान की थी या नहीं, और उसे टिक कर लीजिए। और अगर आपने नहीं की है तो उसको अपने सेकेंड वीक या सेकेंड डे में इंक्लूड कर लीजिए, ताकि आप कोई भी चीज़ भूलें ना, मिस ना करें। अब लास्टली मैं प्लान करूँगी शॉपिंग। शॉपिंग के लिए मैं बहुत इजीली दो पार्ट कर लेती हूँ, एक पेज के और ऊपर लिखती हूँ अर्जेंट और एक साइड पे लिखती हूँ नॉन अर्जेंट। सो अर्जेंट वाले में मैं वही सारी चीज़ें लिखूँगी जो मुझे तुरंत में चाहिए, आज के आज में या इसी हफ्ते में, तो वो सारी चीज़ें मैं लिख लूँगी। और नॉन अर्जेंट में, नॉट अर्जेंट थिंग्स में, वो सारी चीज़ें जो मुझे चाहिए हैं बट इट्स नॉट कि मुझे इसी हफ्ते चाहिए या इसी महीने चाहिए। तो इस तरीके से मैं सारी प्लानिंग कर लूँगी। एंड वीकली एंड जो मंथली प्लानिंग होती है वे थोड़ा सा टाइम लेती है, तो मेक श्योर कि जब भी आप फ्री बैठे हों तब करें, या फिर रात के समय में करें, ताकि आप अच्छे से टाइम देख पाएँ और इफ़ेक्टिव प्लानिंग कर पाएँ। और डेली प्लानिंग इट जस्ट टेक्स 1 or 2 मिनट, और इट्स रियली नाइस कि अगर आप एक चाय के कप या कॉफ़ी की कप लेके बैठ जाएं और प्लानिंग करें, जस्ट टेक 2 मिनट, और आप बहुत रिलैक्स्ड एंड रिफ्रेश्ड एंड ऑर्गेनाइज्ड फील करते हैं जब आप प्लान कर लेते हैं। आपको पता होता है कि यू आर नॉट गोइंग रॉन्ग एनीवेयर। सो या दिस इज़ हाउ आई प्लान माय वीक, माय डे, माय मंथ। सो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो, एंड इफ़ येस देन डोंट फर्गेट टू टर्न द ब्लैक थंब ब्लू, आई मीन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड कमेंट डाउन बिलो इन द कॉमेंट सेक्शन दैट was that useful, or if you have any topic or any suggestions for me or for my channel or for any video, make sure to write down so that I will do a video for you all. And also guys, I have started my very own vlog channel which is called as Pragya Vlogs, so please subscribe to my both the channels and please share it on your WhatsApp and Facebook groups, so it will be really useful for other people as well. And I'll see you guys in my next one. Bye.